सेंटर। आज हम बच्चों को सर लिखना सिखाएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमें सर लिखने के लिए सबसे जो बेसिक चीजें होती है, सबसे पहले हमें उन्हें पैटर्न का ज्ञान कराना चाहिए। तो हमें छोटे बच्चों को सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सिखानी चाहिए कि दो डॉट्स पे वो कैसे स्टैंडिंग लाइन टू डॉट्स पे खींच सके। तो हम उनके कॉपी में टू डॉट्स ऐसे बना के देंगे, बच्चे स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम उन्हें स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे कि बच्चे स्लीपिंग लाइन बस टू डॉट्स रखेंगे और बच्चे को स्लीपिंग लाइन के लिए पूरी हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद हम उन्हें स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे। जब ये पैटर्न बच्चे सीख जाएंगे तो जब हम उन्हें स्वर लिखना सिखाएंगे तो बहुत आसानी से वो स्वर को लिख सकेंगे। इसके बाद हम उन्हें कर्व सिखाएंगे कि टू डॉट्स बनाएंगे और बच्चे सी की तरह इसे मोड़ देंगे। टू डॉट्स बनाइए, बच्चे सी की तरह इसे मोड़ दें। जब ये कर्व बच्चे बना लेंगे तो बहुत आराम से जो हमारे स्वर है वो एकदम बनाएंगे। तब हम सबसे पहले बच्चों को छोटा आ बनाना नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें बच्चों को सिखाते हैं छोटा ऊ बनाना। तो बच्चे ने पहले ही कर्व सीख लिए हैं तो बच्चा ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा और फिर ये लिखना देगा, ये बन जाएगा छोटा से उल्लू। अब इसी तरह हम इसको बड़ा से ऊ बताएंगे कि वैसे ही बच्चे ने जैसे छोटा बनाया वैसे ही बच्चे ने हाफ सर्कल फिर एक और हाफ सर्कल और फिर इसको इस सर्कल को यहाँ मिला दिया और फिर उसकी एक टेल लगा दी तो क्या बन गया, बड़ा से ऊ। छोटे बच्चों को डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। फिर हम इसको सिखाएंगे आ से अनार बनाना। तो बच्चे ने छोटा और बड़ा बनाना सीख लिया है तो फिर से हम इसे हाफ सर्कल फिर एक और हाफ सर्कल फिर ये यहाँ तक ले आए और फिर हम यहाँ पे इसको बोलेंगे स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा एक यहाँ में डॉट रखेंगे तो बच्चा आराम से स्लीपिंग लाइन खींच देगा और फिर हमें उसको स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कराना है। स्टैंडिंग लाइन क्या बन गया, आ से अनार। अब हम फिर से इसको बड़ा से आम बताएंगे। तो जब उसने आ से अनार बना लिया तो बड़ा से आम आसानी से बना लेगा। हाफ सर्कल फिर एक और हाफ सर्कल और उसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे फिर स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन अगर खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा से आम। अब हम देखेंगे छोटा और से ओढ़नी कैसे बनेगी। तो जैसे बच्चे ने पहले बनाएगा बच्चा छोटा उससे उल्लू बन गया। अब हम इसमें स्लीपिंग लाइन खींचेंगे फिर स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे फिर एक और स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और ऊपर ये मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, और से ओखली। अब ऐसे अरब सीखेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा ऊ बनाया फिर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन फिर एक और स्टैंडिंग लाइन तो क्या बन गया, बड़ा से आम। बड़ा से आम में दो मात्राएं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, और से औरत। अब हम सीखेंगे इसे उंगली बनाना। इसे उंगली के लिए बच्चे सबसे पहले छोटी लाइन खींचेगा, छोटी से स्टैंडिंग लाइन फिर छोटा हाफ सर्कल फिर एक और हाफ सर्कल और फिर यू मोड़ के और ऊपर स्लीपिंग लाइन क्या बन गया, छोटी से उंगली। अब बड़ी से ई कैसे बनाएंगे, जैसे हमने छोटी से उंगली बनाई है ये ऐसे करके ऐसे मैंने और इसमें देखो छोटी से उंगली बन गई और ऊपर से हम जब ऐसे एक और छोटा सा मुंह बना देंगे हाफ सर्कल टाइप का तो क्या बन जाएगा, बड़ी से ईक। अब हम ऐसे एड़ी बनाएंगे, ऐसे एड़ी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बच्चों को डॉट रख के बताएंगे कि कैसे ऐसे एड़ी बनाना है। देखिए हमने यहाँ पे फाइव डॉट्स रख लिए तो सबसे पहले हम इसको कहेंगे बच्चे से एक यहाँ लाइन खींचेगा, बच्चा एक यहाँ लाइन खींचेगा, स्टैंडिंग लाइन से आती है, स्टैंडिंग लाइन से खींच के वो इसको यहाँ ऐसे मिला देगा और ये लाइन ऐसे खींच देगा और ऊपर स्लीपिंग लाइन क्या बन जाएगी, ऐसे एड़ी। अब ऐसे अलग भी हम उसको ऐसे ही करके सिखाएंगे, फाइव डॉट्स बना लेंगे, बच्चा ये डॉट्स मिलाएगा, ये डॉट्स मिलाएगा, ये डॉट मिलाएगा और इस डॉट को इससे मिला देगा और ऊपर स्लीपिंग लाइन और एक मात्रा लगा देगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे एड़ी। ऐसे अलग, ऐसे एड़ी, ऐसे अलग। इसी प्रकार हमारे पूरे स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें बनाना है अंश से अंगूर। अंश से अंगूर कैसे बना,
स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। अब हमसे अंगूर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अंग से अंगूर। अब अहा खाली बनाना है। अब आप बताएं अहा खाली कैसे बनेगा। पहले हाफ सर्कल, फिर एक बार हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये क्या बन गया, आ से अनार। अब अगर आ से अनार में हम ऐसे दो बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अहा खाली। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से, इजी ट्रिक से बच्चों ने सीखा, और उसके बाद हम ऋषि ऋषि उनको बाद में सिखाएंगे। तो देखिए किस प्रकार बच्चों ने आसान तरीके से सीख लिया। इसको हम शुरू से लिखेंगे, जब बच्चे को ये पूरा बनाना आ जाएगा तब हम उसे कंटिन्यू में करेंगे क्रमबद्ध। तो सबसे पहले हम उसको छोटा बताएंगे, पहले छोटा उसे उल्लू, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया, आ से अनार। फिर बड़ा से आम कैसे बनेगा, छोटा उसे उल्लू बनेगा, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, आ से अनार बन गया। इसमें लिखा स्टैंडिंग लाइन डालने तो क्या बन गया, बड़ा से आम, छोटी सी उंगली, छोटी सी डंडी, फिर हाफ सर्किल, फिर एक और हाफ सर्किल, फिर ऐसे क्या बन गया, छोटी से इमली। बड़ी सी कैसे बनेगी, छोटी सी लाइन, हाफ सर्किल, फिर उल्टी हाफ सर्किल, फिर ऐसे, फिर ऊपर छोटा सा रूप, क्या बन गया, बड़ी से ई। फिर छोटा सा उल्लू कैसे बनाएंगे, हाफ सर्किल, फिर एक और हाफ सर्किल, क्या बन गया, छोटा से उल्लू। बड़ा उसे हम कैसे बनाएंगे, हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, और एक लगाने में तो क्या बन जाएगा, बड़ा उसे उल्लू। री से ऋषि, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, स्लीपिंग लाइन, फिर ये छोटा सा क्या बन गया, री से ऋषि। अब ऐसे सिखाया था ना, ऐसे करके फाइव डॉट्स लेकर सारे डॉट्स को पहले ज्वाइन करो, हो गया, ये फोर बन गया। इसको यहाँ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए से एडी। ऐसे हमें कैसे बनाएंगे, पहले हम ए से एडी बनाएंगे, सारे डॉट्स मिलाएंगे, और फिर ऊपर एक मात्रा, ऐसे एनक। ओ से उंगली कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ, पहले छोटा उसे उल्लू बनाएंगे, छोटा उसे उल्लू बनाया, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गई, छोटा सा नार। फिर इसके बाद एक और लाइन खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा श्याम। बड़ा श्याम में एक और मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ से ओखली। अब क्या आएगा, ओ से ओखली के बाद आप बताइए क्या आएगा, और से औरत। और सौरभ कैसे बनाएंगे, पहले छोटा उसे उल्लू बनाया है ना, फिर छोटा सा अनार बन गया। अब छोटा सा अनार में एक और स्टैंडिंग लाइन बनाया तो क्या बन गया, बड़ा श्याम। बड़ा श्याम में दो मात्राएं लगेंगी तो क्या बन जाएगा, और से औरत। अब अंगूर आप बताइए कैसे बनेगा, पहले हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, इस हाफ सर्कल को यहाँ लेकर आए, फिर क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया, आसे अनार। आसे अनार में ऊपर बिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंगूर। अब आ खाली कैसे बनाएंगे, पहले थ्री डॉट्स रखेंगे, पहले छोटा उसे उल्लू बनाएंगे, हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, फिर ज्वाइन किया, फिर बना दिया, ये क्या बन गया, छोटा सा अनार। छोटा सा अनार में बिंदी कहाँ लगाएंगे, जो आ खाली बनेगा, साइड में। साइड में जो हम बिंदी लगाएंगे तो आ खाली बन जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।